टॉपिक हम लोगों का रिग्रेशन। ये ज़्यादातर 11th और BCom के स्टैट्स में आता है और भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आता है ये रिग्रेशन। रिग्रेशन से कोरिलेशन भी निकल जाता है, तो हम लोगों को स्पेशलिस्ट के लिए कोरिलेशन सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि रिग्रेशन में कोरिलेशन भी पूछा जाता है। तो जब रिग्रेशन कोरिलेशन आता है तो उसमें आपको दो चीज़ें गिवन होती है, एक्स और वाई, दोनों ही इंडिविजुअल होते हैं और जिसके अंदर तीन चीज़ें पूछी जाती है। सबसे पहले रिग्रेशन का कोफिशेंट, फिर कोरिलेशन, फिर रिग्रेशन इक्वेशन, तीन चीज़ें इसमें पूछी जाती है। कोरिलेशन में जब टॉपिक करते हैं तो उसमें सिर्फ कोरिलेशन पूछा जाता है, ये दोनों चीज़ नहीं पूछी जाती, पर हम रिग्रेशन कोफिशेंट निकाल करके कोरिलेशन निकाल लेते हैं, तो इसलिए स्पेशल हमें कोरिलेशन सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो करने के हम लोग के तीन मेथड होते हैं, जिसमें से पहला बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, फिर आएगा उसके बाद अरिथमेटिक मेथड, उसके बाद आएगा एज्यूमिंग मेथड। तो तीनों से हम लोग जो सीखेंगे, तीनों से आंसर हम लोगों का सेम आता है। बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ दी होंगी एक्स और वाई, क्वेश्चन के अंदर वो लिख लेंगे, उसका टोटल कर लेंगे। उसके बाद हमें तीन टेबल सॉल्व करनी है, जिसमें पहला एक्स स्क्वायर निकलेगा, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स और वाई मल्टीप्लाई होंगे, इसका स्क्वायर करना है, फिर वाई का स्क्वायर करना है, फिर एक्स और वाई को दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इन सब का टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर 220 आ जाएगा। सेम फिर y का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49, 5 का 25, 10 का 100, 15 का 225, इन सब का टोटल कर लेंगे, जो आएगा टोटल करके 408। उसके बाद x और y का मल्टीप्लाई, तो ये नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 और 3 6 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 10 5 जा 50, 6 10 जा 60, 8 15 जा 120, इन सब का टोटल करेंगे आप लोग तो आएगा 264। डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, इन सब के टोटल की वैल्यू को अलग से लिख लेंगे, तो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई, इनका जो सम होता है उसको हम सिग्मा बोलते हैं, तो इन सब की टोटल वैल्यू निकाल के लिख लेते हैं। तो एक्स के जो टोटल की वैल्यू थी वो 30, वाई के जो टोटल की वैल्यू थी वो 40, एक्स स्क्वायर की जो टोटल की वैल्यू थी वो 220, वाई स्क्वायर की जो थी 408, और एक्स वाई की टोटल की वैल्यू जो थी वो है 264। तो सबसे पहले हम उनके टोटल वैल्यू को ले लेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट आता, हमें सीधे इनके टोटल वैल्यू दी होती, इसके बाद का क्वेश्चन प्रोसेस सेम रहता, चाहे टेबल वाला आए चाहे डायरेक्ट वाला आए, इसके बाद प्रोसेस सबका सेम रहेगा। एन फाइव था, तो हम लोग क्या निकाले जाएंगे इसके बाद, कोफिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाई, तो ये वाई ऑन एक्स भी होता है, पहले हम कोफिशियंट एक्स ऑन वाई निकाले, बी एक्स वाई, तो जब एक्स वाई लिखा है तो ऊपर एक्स वाई की वैल्यू ही आएंगी, एन सिग्मा एक्स वाई, जब एन लगाएंगे तो एक साथ एक्स वाई आएंगे सिग्मा में, और जब एन नहीं लगाएंगे तब दोनों एक्स अलग अलग सिग्मा में आएंगे, ये ध्यान रखनी है फॉर्मूले में। तो पहले ऊपर एक्स वाई आएंगे, दोनों में एक्स और वाई में पीछे वाई है, तो वाई जो पीछे है वो नीचे आएगा, एन सिग्मा वाई स्क्वायर, वाई वाला पार्ट नीचे आया, यहाँ भी वाई आएगा, बट यहाँ कंप्लीट वाई स्क्वायर आया है, दो वाई हैं एक तरह से, वाई इंटू वाई, जैसे एक्स इंटू वाई था, तो यहाँ पे सिग्मा वाई अकेला आएगा और उसका होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ एन नहीं आया। ऐसे फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास क्वेश्चन में ऊपर से आ चुकी सारी वैल्यू, तो एन क्वेश्चन में 5 है, एक्स वाई 264, सिग्मा एक्स 30, सिग्मा वाई 40, अपॉन में एन 5, सिग्मा वाई स्क्वायर इज 408, और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई ये है, इसका होल स्क्वायर करना है 40 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 5 को 264 से तो सॉल्व करते हैं, ये आया 1320, और 30 को 40 से करेंगे 1200, इसको इससे इंटू करेंगे तो 2040, ये आ जाएगा 1600, इनको सॉल्व करते हैं 120, और नीचे आ जाएगा 440, इसको डिवाइड कर लेते हैं, जो सॉल्व करके डिवाइड करके आएगा 0.27।
कोफिशेंट ऑफ वाई वन एक्स जब करेंगे तो उसके अंदर फॉर्मूला जो बनेगा बी वाई एक्स, तो वाई पहले आएगा तो एक्स बाद में आएगा, तो फॉर्मूला भी ऐसे ही करना है आप लोगों ने। फिर सेम एन सिग्मा एक्स वाई, दोनों एक्स वाई हैं, फिर से सिग्मा एक्स अलग और सिग्मा वाई अलग, जब एन नहीं आएगा तो अलग अलग। सेम इस बार एक्स पीछे है तो नीचे फॉर्मूले में भी एक्स ही आएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर जैसे वाई में किया था। ऊपर की वैल्यू तो वही आ जाएगी जो सेम एक्स वाई में आई थी, वही वाई वन एक्स में सेम ऊपर आएगी, 5, 264, 30 और 40। नीचे एन वही 5 है, बस सिग्मा एक्स स्क्वायर और एक्स, सिग्मा एक्स स्क्वायर 220, सिग्मा एक्स 30, सिग्मा एक्स स्क्वायर 220, सिग्मा एक्स 30 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 5 को 264 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320, ये 1200, नीचे ये 1100 और ये 930 का स्क्वायर। इनको माइनस कर लेते हैं, 1 डिवाइड में 200, इसको डिवाइड करने पर 0.6 आ जाएगा। चलता है कोरिलेशन, कोरिलेशन के फॉर्मूले में बहुत छोटा सा फॉर्मूला, इसको आर से डिनोट करते हैं, अंडर रूट बी एक्स वाई जो कोफिशेंट निकाला था और बी वाई एक्स जो निकाला था, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे तो बी वाई एक्स तो ये रहा 0.6, बी एक्स वाई हमने पीछे लिया था 0.27, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.162, उसका रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.402 और प्लस। तो जब कोरिलेशन करते हैं तो हमें प्लस और माइनस शो करना पड़ता है। कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो 1 से छोटी और इक्वल -1 के इक्वल होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसके बीच में नहीं आते इसका मतलब आपका कोरिलेशन गलत हो रहा है, -1 के इक्वल और उससे ज़्यादा और 1 के इक्वल और उससे कम, इसके बीच में आपका कोरिलेशन रेंज आती है। अब हम लोग एक्स बार निकालने जा रहे हैं और वाई बार निकालने जा रहे हैं, दोनों का मीन निकालने जा रहे हैं एक्स और वाई का, तो उसमें फॉर्मूला सिग्मा एक्स बटे एन सिग्मा वाई बटे एन, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई देखते क्या है हमारे पास, तो सिग्मा एक्स था टोटल 30, सिग्मा वाई था 40, इसको पुट कर देते हैं हम लोग। ये पुट कर दिया सिग्मा एक्स की जगह 30, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 5 थी, सेम यहाँ पुट कर दिया सिग्मा वाई 40 एन 5, ये कैंसिल आउट हुआ 6, ये कैंसिल आउट हुआ 8, तो एक्स बार हमारा निकल गया है 6, वाई बार निकल गया है। तो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वन वाई जब बनेगी तो सबसे पहले एक्स माइनस जिस साइड एक्स है इस साइड एक्स ही आएगा, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई बी एक्स वाई एक्स वाई, फिर वाई साइड है तो वाई माइनस वाई बार, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है सारी। तो एक्स माइनस एक्स बार में एक्स बार की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में है 6, और वाई बार वाई माइनस वाई बार में वाई नहीं पुट होगा ना एक्स पुट होगा, इक्वेशन तभी बनेगी। वाई माइनस वाई बार में वाई की बार की वैल्यू इतनी आई थी 8, और बी एक्स वाई हमने जो निकाला था वो 0.27, ये तीनों वैल्यू पुट करनी है एक्स बार बी एक्स वाई और वाई बार, ये हमें मिल चुके हैं एक्स माइनस एक्स बार इज 6, बी एक्स वाई 0.27, वाई माइनस वाई बार इज 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस 6 उधर चला जाएगा, इसको इंटू करते हैं वाई से 0.27 वाई, एक बार वाई से इंटू एक बार 8 से इंटू, 8 से करने पर आया 2.16, और ये 6 इधर आकर के प्लस हो गया था और ये x बन गया 0.27। ये इक्वेशन आ गई x ऑन y की, x इक्वल टू 0.27 y प्लस 3.84। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x बनाएंगे तो इस बार y पहले है तो फॉर्मूले में y माइनस वाई बार पहले आएगा क्वेश्चन में, फिर बी वाई एक्स आएगा, वाई वन एक्स है तो बी वाई एक्स, फिर कोफिशिएंट बी वाई एक्स आ गया, एक्स माइनस एक्स बार इस साइड एक्स है तो एक्स आ जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन याद कर लेंगे, वाई माइनस वाई बार इज 8 था, जब एक्स वन वाई लगाया था तो वाई माइनस वाई बार इधर था वो इधर चला गया, तो ये वैल्यू पूरी सेम वाई माइनस 8 उधर उठ के आ जाएगी,
तो यह आ जाएगा वाई माइनस एट। जैसे एक्स वन माइनस एक्स बार इधर था तो एक्स माइनस सिक्स इधर था, वो इधर चला जाएगा, एक्स माइनस सिक्स इधर चला जाएगा। बस बी वाई एक्स कोफिशेंट ढूंढना है हमको। बी वाई एक्स कोफिशेंट जो आया था वो 0.6 आया था तीनों मेथड के अंदर। इसको हम लोग पुट कर देंगे इधर बी वाई एक्स में 0.6। अब इसको सॉल्व करना है, खाली सॉल्व करना है 0.6 को, एक बार एक्स सेवन टू, एक बार सिक्स सेवन टू। वाई माइनस एट ऐसी रहेगा, 0.6 को एक्स से करेंगे तो 0.6x, और इसको करेंगे तो 3.6 हो जाएगा, 6 से करेंगे तो y 0.6x, 8 उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा उधर जा करके, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो प्लस 4.4 आ जाएगा y। और ये बन गई इक्वेशन आपकी y इक्वल टू 0.6x प्लस 4.4। तो हम यूज़ करने जा रहे हैं बाई यूजिंग अर्थमेटिक मीन मेथड। तो इसमें हम लोगों को फिर से वही x और y दिया हुआ है, सेम नंबर है, और इनका टोटल कर लेंगे 30 और 40। तो उसके बाद हमें सबसे पहले स्मॉल x निकालना होता है, वो कैसे निकलता है, x माइनस x बार। तो हम x बार निकाल चुके हैं, बार हमारा निकल गया है 6, y बार निकल गया है 8। x में से 6 माइनस करने वाले हैं, तो 2 माइनस 6 कितना आएगा, माइनस 4, ये हमारा मीन था। फिर 4 माइनस 6 माइनस 2, 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2। इन सबको जब टोटल करेंगे 0 ही आएगा। अर्थमेटिक मीन में जो स्मॉल x निकलता है वो 0 ही निकलेगा हमेशा, सेम y में होगा। तो y माइनस y बार, और y बार जो आया था हमारा वो 8 था। इसमें इसके बाद 8 से सबको माइनस करना है, तो 3 माइनस 8 माइनस 5, 7 माइनस 8 माइनस 1, 5 माइनस 8 माइनस 3, और 10 माइनस 8 2, उसके बाद 15 माइनस 8 7। इन सब को जब टोटल करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो अर्थमेटिक मीन में स्मॉल x स्मॉल y हमेशा 0 ही आते हैं। सेम फिर वही जैसे डायरेक्ट मेथड में गया था, x और y कैपिटल कर गया था, इस बार स्मॉल x y का स्क्वायर करना है। तो स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल x y का ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब इन लोगों का मल्टी स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले x का, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 0, 4, टोटल करने पर 40 आ गया। y का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस के, माइनस में प्लस ही आता है स्क्वायर करने पर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो आया 49। इनका टोटल करते हैं तो आया 88। अगर हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें, माइनस 4 5 जा माइनस माइनस प्लस प्लस 20 आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 3 जा माइनस 12 प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर 0 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद 2 7 जा 14, और लास्ट में इनका टोटल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। टोटल ये बनाया हमने सिग्मा एक्स 30, फिर वाई का टोटल, सिग्मा वाई का टोटल आया 40, स्मॉल एक्स का टोटल 0 ही आता है, अर्थमेटिक मीन बताया था आपको, वाई का भी, स्मॉल वाई का भी, सिग्मा वाई 0 के इक्वल, एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे 40, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 40, वाई स्क्वायर का टोटल करेंगे तो 88, फिर सिग्मा एक्स वाई का टोटल 24, और उसके बाद एन नंबर ऑफ टर्म इज 5। क्वेश्चन हम लोगों को डायरेक्ट आता तो उसमें क्या होता है, सारी वैल्यू आपको पहले से दी होती और सीधा उठा के हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमने पहले टेबल सॉल्व करी, इसके सारा टोटल निकाल लिया और सॉल्व करा, तो जब डायरेक्ट आएगा तो और इजी हो जाएगा, उसमें सीधा वैल्यू आपको पहले से गिवन होगी। क्वेश्चन आगे का प्रोसेस सेम रहेगा दोनों में, चाहे डायरेक्ट आए चाहे टेबल वाला है। कोफिशियंट निकालना है वो भी एक्स ऑन वाई वाला, दो तरह के होते हैं, एक्स ऑन वाई एक वाई ऑन एक्स। तो एक्स ऑन वाई के लिए लिखा जाता है बी एक्स वाई। तो उसका फॉर्मूला समझेंगे सबसे पहले, जब बी एक्स वाई का निकालेंगे तो अर्थमेटिक मीन से जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकालेंगे, उसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, बी एक्स वाई एन सिग्मा, बड़े एक्स की जगह स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, माइनस सिग्मा स्मॉल एक्स सिग्मा वाई। एक्स वाई ऊपर है, सेम वही नीचे, एन वाई नीचे है, सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। पर रियल में टीचर लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, सिग्मा एक्स सिग्मा
वाई स्क्वायर। रियल में ये फॉर्मूला यही बन जाता है जब ये दोनों सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जीरो होने की वजह से। तो अर्थमेटिक मीन में ये अगर मैं जीरो 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 पुट करूँगा सारा खत्म हो जाएगा, एन जेन कट जाएगा, यही बचेगा। तो आप चाहे ये डायरेक्ट पुट कर लो या पूरा फार्मूला कर लो, पूरा करने में ये फ़ायदा आपको तीनों में मेथडों में फार्मूला अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा, एक ही फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें पूरे में पुट करके दिखाता हूँ और डायरेक्ट भी पुट करके दिखाऊँ, सेम आएगा। तो एन फाइव सिग्मा एक्स वाई 24 सिग्मा एक्स 0 सिग्मा वाई 0। अर्थमेटिक मीन में तो 0 ही आना है हर क्वेश्चन में। 5 सिग्मा वाई स्क्वायर इज 88 0 स्क्वायर। तो आप देखो ये सब खत्म, 5 5 कैंसिल आउट, 24। अगर मैं डायरेक्ट भी यहाँ पुट करता सीधा 24 सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आती और सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू सीधा आती 88, बाद वही आई घूम फिर के। तो सीधा इसको डिवाइड करेंगे 0.27 आ जाएगा। सेम तीनों से आंसर सेम आएगा। अर्थमेटिक मीन से क्या यही आया, डायरेक्ट मेथड से क्या यही आया, जूम इन मेथड से भी बी एक्स वाई सेम ही आया। अब कोफिशियंट ऑफ वाई ऑन बी वाई एक्स इज ऊपर सेम एन स्मॉल सिग्मा एक्स वाई, अर्थमेटिक में स्मॉल चलता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सेम। तो ऊपर का फॉर्मूला तो दोनों में सेम होता है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स में, नीचे बस पीछे एक्स है तो एक्स आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। और अगर डायरेक्ट करते हैं जो लोग उसके अंदर सीधा ये दोनों वैल्यू बचेंगे, जीरो जीरो होने वाले हैं, तो सिग्मा स्मॉल एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला लगाओ या ये लगाओ एक ही बात है। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ये तो यही सेम आएगी ऊपर जो आई थी, ऊपर की सेम, यहाँ भी वही आएगी 5 24 0 0, नीचे भी 5 आएगा। बस सिग्मा एक्स स्क्वायर देखते हैं हम लोग क्या हमारे पास, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 40 और सिग्मा एक्स 0 ही रहेगा, तो 40 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 5 5 कैंसिल आउट, ये तो 0 हो चुका, 20 बाय 40 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। तो कोफिशियंट बी एक्स वाई जो आया था वो 0.27 था, कोफिशियंट वाई ऑन एक्स तो जो था वो 0.6 था। तो कोरिलेशन भी फॉर्मूला सेम वही लगेगा, आर अंडर रूट बी एक्स वाई बी वाई एक्स, तीनों मेथड में फॉर्मूला यही लगने वाला है, तीनों में बी एक्स वाई भी सेम यही आएगा, एक ही क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो, और आर आपका सेम तीनों में यही मिलेगा आपका। अब बनती इक्वेशन तीनों में वो भी सेम ही आती है। हमने अर्थमेटिक मीन किया था तो उसका भी आंसर डायरेक्ट मेथड वाला आया था, क्यों आया था, क्योंकि बी एक्स वाई जो कोफिशियंट था वो 0.27 अर्थमेटिक मीन में भी आया था और बी वाई एक्स 0.6 अर्थमेटिक मीन में भी आया था और एक्स बार वाई बार तो सब में सेम ही था क्योंकि क्वेश्चन तीनों में सेम था। तो इसलिए हमारी जो अर्थमेटिक मीन मेथड था उसमें भी एक्स ऑन वाई एक्स इक्वल टू 0.27 वाई प्लस 3.84 और जो वाई ऑन एक्स आई थी इक्वेशन तो वो आई इक्वल टू 0.6x प्लस 4.4। अब यूज़ करेंगे हम लोग एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मतलब होता है खुद ने एज्यूम करना है उसके अंदर, तो इस एक्स नंबर में से किसी को भी एज्यूम किया जा सकता है, अपनी तरफ से अदर नंबर भी लिया जा सकता है एज्यूम में मीन के अंदर। तो सेम इसमें से तो हम लोग ज़्यादातर मिडल वाले नंबर को ले लेते हैं, ये मिडल नंबर ले रही है 10 और 5, ये हम लोगों के एज्यूम नंबर हो गए। डी एक्स बनेगा जैसे वहाँ पे हम स्मॉल एक्स बनाते थे, यहाँ डी एक्स बनेगा, वो कैसे बनेगा, एक्स माइनस एक्स ए, एक्स में से जिस नंबर को आपने एज्यूम किया है वो ये हमारा मीन है एक तरह से। तो अब लोग डी एक्स मतलब डी मतलब होता है डेविएशन, छोटा करना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले, इस बार एक्स ए माइनस कौन है 10, इस बार हमारा एक्स में से 10 माइनस किया जाएगा, अपनी तरफ से नंबर लेना, कोई से नंबर से ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो 2 माइनस 10 करने वाले हैं तो कितना आया माइनस 8, 4 माइनस 10 करेंगे कितने आया माइनस 6, 10 में से 10 जाएगा तो 0, 6 में से 10 जाएगा तो माइनस 4, 8 में से 10 जाएगा तो माइनस 2। इस बार हमारा टोटल 0 नहीं आएगा, एज्यूम इन मेथड में कुछ भी आ सकता है, तो इसका टोटल करते हैं तो माइनस 20 आया। उसके बाद इसमें भी हमें वाई में कोई ना कोई नंबर ऐड करना था, डी वाई बनेगा और वो ए 5 ऐड किया हुआ है, तो ये वाई माइनस वाई ए वाई माइनस कितना आ जाएगा 5, तो इस बार 5 में से माइनस करना है सब नंबर को, तो 3 माइनस 5
माइनस टू, सेवन माइनस फाइव प्लस टू, फाइव माइनस फाइव जीरो, टेन माइनस फाइव फाइव, फिफ्टीन माइनस फाइव टेन। तो इसका टोटल करेंगे तो हम लोगों का टोटल जो आ रहा है वो 15 आ रहा है। उसके बाद इनका फिर से वही डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, सेम आगे का प्रोसेस वही है, बस स्टार्टिंग की दो टेबल चेंज होती है, उसका स्क्वायर उन नंबर का और मल्टीप्लाई। तो इन दोनों पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं इस नंबर का, ये आया 64, 36, 0, 16, 4। इसका टोटलिंग कर लेते हैं, टोटल जो आ रहा है वो 120। इसका डी वाई स्क्वायर करते हैं, प्लस 4, प्लस 4, 0, 25, 100। इसका टोटल करते हैं तो 133 आएगा। अब डी एक्स डी वाई मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस 16, ये माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस 12, 0, माइनस 20, माइनस 20। इसको सॉल्व करते हैं, इसका टोटल आता है माइनस 36। एज्यूमिंग मेथड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, इनके टोटल की वैल्यू निकाल कर रखनी पड़ेगी। सबसे पहले टोटल टेबल हम तैयार कर चुके हैं, तो उनकी टेबल में x और y की जो टोटल थी वो 30 और 40 पुट कर देते हैं। सिग्मा x की वैल्यू 30 थी, सिग्मा y की वैल्यू 40, x की वैल्यू माइनस 20, सिग्मा dy की वैल्यू 15, सिग्मा dx की थी माइनस 20 और सिग्मा dy की थी 15। सिग्मा dx स्क्वायर की टोटल वैल्यू थी 120, सिग्मा dy स्क्वायर की 133 और dx dy की माइनस 36। सिग्मा dx स्क्वायर की 120, सिग्मा dy स्क्वायर की 133 और dx dy की माइनस 36। सबकी टोटल वैल्यू ले ली है, इसके बाद हमने कोफिशिएंट निकालना है x ऑन y। फॉर्मूला वे फिर से वैसे बनाएंगे जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में किया था, बी एक्स वाई एन सिग्मा एक्स वाई लिखा था, अब डी एक्स डी वाई बन जाएगा, सेम माइनस, अब सिग्मा डी एक्स अलग, सिग्मा डी वाई अलग, वहाँ सिग्मा एक्स वाई था, कुछ नहीं करना, डी एक्स डी वाई लगेगा बस, नीचे वाई था तो एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर और ये एन सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सेम है डायरेक्ट मेथड और इसमें बस डी लगा देना है, 5 डी एक्स डी वाई की वैल्यू माइनस 36 माइनस सिग्मा डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी माइनस 20, सिग्मा डी वाई की वैल्यू 15 अपॉन एन 5, सिग्मा डी वाई स्क्वायर इज 133 माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर करते हैं तो यह आ जाएगा माइनस 180 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 300, 5 से 133 करेंगे 665, 15 को करेंगे स्क्वायर तो 225, इसको सॉल्व करेंगे तो 120 और इसको माइनस करेंगे तो 440। अभी पीछे भी हमने डायरेक्ट मेथड किया था तो 120 बाई 440 ही आया था, जिसको डिवाइड करने पर 0.27 निकला था, उसके कोफिशिएंट से भी यही आंसर आया था, इसके कोफिशिएंट से भी क्वेश्चन सेम है, आंसर भी लगभग सेम ही आएगा कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट of y on x, तो इसमें बी वाई एक्स का तो वही सेम आएगा जो बी एक्स वाई में आया था, एंड सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई, तो यहाँ पे बी वाई एक्स है तो यहाँ पे भी एन सिग्मा डी एक्स डी वाई एक साथ एन के साथ और सिग्मा डी एक्स अलग सिग्मा डी वाई अलग अपॉन इस बार एक्स नीचे है तो उसमें एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर और सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स वाला नीचे आएगा। इसके बाद इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू तो ये सेम 5 माइनस 36 माइनस 20 और 15 ही पुट कर देंगे तो 5 माइनस 36 माइनस 20 और 15 अपॉन एन 5 है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इज 120, सिग्मा डी एक्स इज माइनस 20, तो 120 माइनस माइनस 20 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं 5 थर्टी 180 और ये प्लस 300 नीचे आ जाएगा 600 माइनस 400, इसको सॉल्व करते हैं तो 120 बाय 200 और इसको डिवाइड करने के बाद 0.6। तो आपने अभी बी एक्स वाई कोफिशिएंट निकाला था 0.2,
0.27। इसके बाद आपने निकाला कोफिशेंट बी वाई एक्स वाई 0.6। अब हमें कोरिलेशन निकालना है एज्यूमिन मेथड से, तो कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है यही रहेगा तीनों में, आर अंडर रूट बी एक्स वाई बी वाई एक्स, सेम बी एक्स वाई 0.27 आया था, 0.6 आया था, रूट मल्टीप्लाई करेंगे रूट 0.162, उसका रूट निकालेंगे तो 0.402। फिर से वही सेम आंसर आया है, मेथड बदलने से आंसर चेंज नहीं होगा। हमने जब तीनों मेथड सॉल्व कर लिए, डायरेक्ट मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड और एज्यूमिन मेथड, तीनों में ही जो हमारे कोफिशेंट बी एक्स वाई आया था वो 0.27 आया था और बी वाई एक्स कोफिशेंट 0.6 आया था और एक्स बार वाई बार भी तीनों में सेम ही था, तो इसलिए तीनों में रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वन वाई की आई थी एक्स इक्वल टू 0.27y प्लस 3.84 और वाई वन एक्स इक्वेशन आई थी वाई इक्वल टू 0.6x प्लस 4.4।